बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत वाफियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिपार्टमेंट की तरफ से, जिन्होंने ड्यू डेट पे अपनी रिटर्न फाइल नहीं की थी, एक नोटिस आया था सेक्शन 114 का सबसेक्शन 4, जिसमें उन्हें एक चांस दिया गया था कि आप इस ड्यू डेट से पहले पहले अपनी रिटर्न फाइल कर दें। तो वो हमने पूरा उसमें लेक्चर डिस्कस किया था कि उसकी फाइलिंग कैसे होगी, हमने पूरा उसको प्रैक्टिकल देखा था। और आज के लेक्चर भी उसी के ऊपर है, यानी कि उसी के बेस के ऊपर है। सेक्शन 114 की सबसेक्शन 4 के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था उसमें कोई नोटिस नहीं था, कोई प्लेंटी का जिक्र नहीं किया गया था, सिर्फ एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी उन्हें कि वो अपनी रिटर्न फाइल कर दें मार्च से पहले पहले। इसके अंदर भी इन्होंने इनको बकायदा से एक नोटिस आया हुआ है जिसको हम डिस्कस करेंगे कि उस नोटिस में सेक्शन प्लेंटी का नोटिस आया हुआ 182 का, ठीक है। उसके अंदर 182 का नोटिस नहीं आया था, उसमें सिर्फ सेक्शन 114 का सबसेक्शन 4 का नोटिस था। इस टॉपिक में जो इनको 182 का भी नोटिस दिया हुआ है, तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। रेडी आयरस के ऊपर लॉग इन हूं, हम आ जाते हैं क्या कहते हैं इनबॉक्स के अंदर, ड्राफ्ट में देखते हैं क्या है। ड्राफ्ट में कि रिटर्न 2022 का किया हुआ है। आउटबॉक्स पे आके प्लेंटी एंड डिफॉल्ट सरचार्ज देखें, टैक्स ईयर 21 का इनको आया हुआ है, ठीक है। सेक्शन 182 है, इन्होंने अभी तक कोई अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है। और अटैचमेंट देख लेते हैं ये इन्होंने क्या कुछ किया हुआ है, इसको बंद कर देते हैं और दोबारा इसको दोबारा से ओपन करते हैं। अटैचमेंट ये नहीं है, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं दोबारा से। कंप्लीट टास्क पे आके प्लेंटी सरचार्ज में आके 182 सेक्शन का ये देखें, इनको एक नोटिस आया हुआ है। इस नोटिस में ये क्या कह रहा है कि शोकास है, ये इनको शोकास दिया गया है कि नोटिस 182 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2021 ये सेवन सेक्शन 82 के अगेंस्ट इनको जो प्लेंटी दी गई है। इसमें कहता क्या है, फर्स्ट सेक्शन में नंबर 1, वेयर अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 114 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 यू वर्ड ऑब्लिक टू फाइल योर रिटर्न ऑफ द इनकम टैक्स ईयर मेंशन अबव ड्यू डेट एंड विल मेक टू रिक्वेस्ट कंप्लायंस देयरफॉर नोटिस 114 सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2021 इशू थ्रू आउट IRS एंड द प्रॉपरली सर्व अपॉन द फाइलिंग रिटर्न इनकम टैक्स डिस्पैच प्रॉपर सर्विसेज एंड लैप ऑफ द कंसीडर्ड पीरियड यू हैव नॉट फाइल्ड योर रिटर्न ऑफ इनकम अप टिल नाउ। अच्छा जी, इसमें बता दिया गया है कि जो है सबसेक्शन 1 का जो यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न का सेक्शन कहलाता है 1141 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल 2021 के तहत आपने फाइल नहीं की थी और ऊपर जो ड्यू डेट की है ये 30 मार्च 2022 तक, इनको भी ड्यू डेट दी गई है। इनको नोटिस 182 का 2 नोटिस जो है इम्बोस्ड प्लेंटी वन सेक्शन 182 के अगेंस्ट इनको दी गई है और इन्होंने भी अपना यानी कि 2 साल का ये भी फर्स्ट टाइम अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, लेकिन ये टैक्स ईयर 21 में इन्होंने अपने आप को एनटीएन बनवाया था और अपनी रिटर्न फाइल नहीं की थी। बकायदा कि इनके क्या कहते हैं ये इनका टैक्स भी डिडक्ट हुआ हुआ है, जिसकी वजह से इनको सेक्शन 182 का भी नोटिस आया हुआ है। अच्छा जी, इसमें ये कह रहा है कि अपना रिटर्न फाइल करते हैं जो ऊपर डेट दी गई है 30 मार्च 2022 से। अच्छा, फर्दर ये क्या कह रहा है, फर्दर लाइन में क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। कहता है वेयर यू हैव फेल फाइल रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स विच अट्रैक्ट प्लेंटी प्रोसीडिंग मेंशन ऑफ द सीरियल नंबर 1 सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 182 द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डिफॉल्ट सरचार्ज 114 और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2021 द रेलेवेंट पोर्शन ऑफ द सेड सेक्शन इज प्रोसीडिंग एज अंडर, ठीक है। सीरियल नंबर ऑप्शन प्लेंटी सेक्शन ऑफ द ऑर्डिनेंस ऑफ द सेक्शन ऑफ द ऑर्डिनेंस टू विच ऑफेंस हैज रेफरेंस 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये उन्होंने पूरा बता दिया ऑन सेक्शन 82 है कि इसको पढ़ लेते हैं। वेयर एनी पर्सन टू फेल, इन्होंने सेकंड लाइन में क्या है जी प्लेंटी सेक्शन 182 के अगेंस्ट सबसेक्शन 1 और सेक्शन और सब सेल नंबर 1 का सबसेक्शन 1182 के अगेंस्ट इन्होंने बताया है कि जो प्लेंटी रेलेवेंट लगेगी वो किस तरह होगी 1, 2, 3 के अगेंस्ट, और थोड़ा इसको नीचे और एक्सप्लेन किया गया है
इसको हम देख लेते हैं कि इस एक्सप्लेनेशन के अंदर इन्होंने क्या बताया। तो इसमें कह रहे हैं कि वेयर एनी पर्सन फेल टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम हैज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 114 विद इन द ड्यू डेट सच पर्सन शैल पे पेनल्टी इक्वल टू 0.1% ठीक है ऑफ द टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स ईयर फॉर ईच डे, यानी कि अगर पर डे के हिसाब से 0.1% लगेगी टैक्स पेबल के ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर क्या कह रहा है, टैक्स ईयर ऑफ द ईच डे ऑफ डिफॉल्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ 50%, यानी कि और मैक्सिमम जो पेनल्टी होगी वो 50% होगी। फर्ज करें कि अगर 1,00,000 है तो 1,00,000 का 50% जो भी होगा वो आपने पे करना होगा, और ये रिकॉर्ड कंडीशन बताएंगे साथ ही, ऑफ द टैक्स पेबल प्रोवाइडेड दैट इज द पेनल्टी वर्क आउट एज अफोरसेड इज लेस देन 40,000 रुपीज और नो टैक्स इज पेबल दैट द टैक्स ईयर सच पर्सन शैल पे द पेनल्टी ऑफ 40,000 रुपीज, यानी कि 40,000 रुपए इनको देने होंगे। एक्सप्लेन फॉर द पर्पस ऑफ द एंट्री इज डिक्लेयर दैट एक्सप्रेशन टैक्स पेबल मीन द टैक्स चार्जेबल टू टैक्स टैक्सेबल इनकम ऑफ द बेसिस असेसमेंट मेड क्रेडिट टू हैव बीन मेड अंडर सेक्शन 120, 121, 122, 114 एंड 118 सिंस यू हैव फेल्ड फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द टैक्स ईयर मेंशन अबव, यानी कि मेंशन अबव जो ड्यू डेट दी गई है, अगर उसके बाद यू वर हर बार प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी इन फॉर्म ऑफ सबसेक्शन 2, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी है सबसेक्शन 2 के तहत सेक्शन 182 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2021, एक्सप्लेन यूर पोजिशन बाई द अबव मेंशन डेट एज टू वाई प्लेंटी मेंशन प्लीज नॉट That in case of non-compliance, अगर यानी कि इसके अलावा अगर आप compliance नहीं करते, it will be presumed that you have nothing to say in your defence, यानी आपके पास कुछ नहीं है बताने को, and plenty proceeding shall be finalized accordingly, और यह plenty finalized हो जाएगी और implement हो जाएगी आपके ऊपर, और आपने फिर अदा करनी होगी। अब आपको एक due date दी गई है, उस due date के तहत रहते हुए आपने अपना return file कर देना है। देखें, इससे पहले जो हमने लेक्चर देखा था उसमें वो सेक्शन 114 का सब सेक्शन 4 के तहत आया था कि आपने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया था। इसके अंदर एक नोटिस आया सेक्शन 182 का 2, जिसको उन्होंने एक चांस दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी है, और साथ ये भी कहा है कि इसका जवाब भी दें कि आपने क्यों फाइल नहीं किया। तो हम इसको पहले रिटर्न को फाइल करते हैं और फिर देखते हैं, ठीक है, और इसका रिटर्न फाइल करते हैं, ताकि देखें 30 मार्च 2022 से पहले पहले ये रिटर्न फाइल करना होगा टैक्स ईयर 21 का। टैक्स ईयर 22 का इनको जो नोटिस आया हुआ है वो सेक्शन 114 का 4 आया हुआ है, इसके अगेंस्ट सेक्शन 182 का सेक्शन सब सेक्शन 2 के अगेंस्ट इनको नोटिस आया हुआ है 21 का। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को कि इस नोटिस का जवाब हम कैसे देंगे। और ये देखें, ये डिफॉल्ट सरचार्ज 182 डिक्लेरेशन, ये 114/4/2022 का आया हुआ है, इसको हम डिलीट कर देंगे। और आउटबॉक्स के अंदर प्लेंटी 182-2 की है, सेशन फॉर्म है, और डिक्लेरेशन 1 ये टैक्स ईयर 22 का, यानी कि नोटिफिकेशन आया हुआ है 114 का 4, ये भी यानी कि इन्होंने टैक्स ईयर 22 का भी रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ, डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी नोटिस आया हुआ है इनको। सेक्शन 182 को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, जो टैक्स ईयर 21 का आया हुआ है, तो उसको जवाब हमने कैसे देना है। ड्राफ्ट में आते हैं, इसको सबसे पहले 114 सेक्शन 4 को हमने डिलीट करना, ये हमने डिलीट कर दिया, ठीक है, ट्रांजैक्शन डिलीटेड वो हो गई है। अच्छा, डिक्लेरेशन पे आना है, नॉर्मल फॉर्म रिटर्न ओपन करना है, टैक्स ईयर 21 हमने यहाँ मेंशन करना है, क्योंकि सबसे पहले टैक्स ईयर 21 का हमें नोटिस आया हुआ है, तो हमने टैक्स ईयर 21 को शॉर्ट आउट सबसे पहले ख़त्म करना है कि टैक्स ईयर 21 का रिटर्न हमने फाइल करेंगे। तो ड्यूरिंग पीरियड जो भी आपने अर्निंग की है, सैलरी अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं सैलरी ले रहे हैं तो यहाँ मेंशन करेंगे, अदरवाइज अगर बिजनेस वगैरह है तो बिजनेस के पोर्शन में वो चीज़ें जाएंगी, या कोई फ्रीलांसर्स वगैरह कर रहे हैं तो फिक्स टैक्स में जाएंगी। तो ये टैक्स ईयर 21 है, तो ये बंदा यानी कि सैलरी का अमाउंट हमने पे वेजेस एंड अदर्स के अंदर हमने मैंशन करना है, ठीक है। तो यहाँ आके हम अपनी सैलरी मैंशन कर देंगे,
110 हमारी सैलरी है और इसको कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, ये एग्जेम्प्टेड है सारी, क्योंकि 6 लाख से ऊपर की अमाउंट होती तो हमारे पर टैक्स लगता है, 6 लाख तक एग्जेम्प्टेड है। इसको क्लोज करते हैं यहाँ से और MIS फाइल के अंदर आते हैं, इंफॉर्मेशन सेंटर के अंदर आते हैं हम और पेमेंट डिटेल्स के अंदर आते हैं। तो 1 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2022 तक हम चेक कर लेते हैं हमारी कोई डिडक्शंस वगैरह कहीं हुई है। तो टैक्स ईयर 20 हमने सेलेक्ट किया जुलाई 1 और यहाँ आके हमने 30 जून 2022 सेलेक्ट कर लेंगे ताकि दोनों साल हम एक साथ देख सकें कि हमारी कोई डिडक्शन वगैरह हुई है तो सामने मेंशन हो जाए। तो टैक्स ईयर 22 हमने सेलेक्ट कर लिया और 30 जून 7 हम सेलेक्ट कर लेंगे, 30 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे और रिसर्च कर देते हैं। रिसर्च के बटन पर क्लिक कर दें। देखिए जी, टैक्स ईयर 22 के अंदर हमारा जनवरी के अंदर हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ है सेक्शन 154A का। जो फ्रीलांसर्स या यूट्यूब से अर्निंग जो करते हैं तो उनका जो टैक्स डिडक्ट होता है वो सेक्शन 154A के तहत होता है। फ्रीलांसर्स वगैरह का भी टैक्स इसी के अंदर है। तो ये फाइनल एंड फिक्स टैक्स है जो हम टैक्स ईयर 22 के अंदर लेंगे, जो अर्निंग 28,541 रुपए की है। ठीक है, और 28,541 इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितना परसेंट है। इसके बाद सेक्शन 154A का अगर फाइलर है तो उसका 1% होता है और नॉन फाइलर का 2% है। तो ये 2% लग रहा है मुझे। हाँ देखें, नॉन फाइलर है, इससे पहले इन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, तो इनका जो टैक्स डिडक्ट हुआ टैक्स ईयर 22 के अंदर वो 2% डिडक्ट हुआ है। दोबारा ड्राफ्ट में आके ओपन कर लेते हैं अपने फॉर्म को और फाइनल बल्कि कंप्यूटेशन पे आते हैं। ये देखें, हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो डायरेक्ट हम आते हैं पर्सनल एसेट्स के अंदर। पर्सनल एसेट्स के अंदर जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल होगी वो आपने यहाँ आके मेंशन कर देनी है। कैश वैश कुछ भी हो जो आपके पास अवेलेबल हो वो आपने मेंशन करना है। जैसे कि हमारे पास कैश अवेलेबल इसमें है तो कैश हम मेंशन कर देंगे 3,50,000 रुपये हमारे पास कैश है। पर्सनल आइटम 1,50,000 रुपये का हमारे पास पर्सनल आइटम है। हाउस इफेक्ट हमारे पास 1,00,000 है और इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट। ये हमने कैलकुलेट कर ली तो टोटल वेल्थ हमारी 6,00,000 की है। और रेंट एंड रेट्स के अंदर अगर सॉरी पर्सनल एक्सपेंस के अंदर जो भी आपके पास एक्सपेंसेस हैं वो आप अदर एक्सपेंस के अंदर या अदर पर्सनल हाउस एक्सपेंस के अंदर मेंशन कर देंगे। 57,380 के हमारे एक्सपेंसेस हैं जो हमने यहाँ मेंशन कर दिए। और अगर आपके पास जैसे यहाँ एडवाइस बने, अगर एडवाइस चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप एडवाइस लिखेंगे। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये देखें जी, 57,380 टोटल जो है हमारे पास आ रहा है। यहाँ हम अपनी नॉर्मल टैक्स सैलरी जो यहाँ मेंशन कर देंगे 1,15,310, जो अमाउंट हमारी रिमेनिंग रह जाएगी वो हमारे प्रीवियस ईयर में मेंशन हो जाएगी और ये 6,00,000 अगले साल टैक्स ईयर 22 के अंदर प्रीवियस में आ रहे होंगे। ठीक है, 5,42,070 हमारी प्रीवियस है, तो हमने 5,42,070 को अपने प्रीवियस ईयर के अंदर मेंशन कर देना है, उसको कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेट कर दिया हमने, कैलकुलेट करने के बाद इसको हम क्लोज करते हैं। और क्योंकि हमारे पास जो है पिन, हम भूल इसकी पिन नहीं है, हमारे पास याद नहीं है, तो इसको क्लोज करके हमने क्या करना है, चेंज द पिन के ऊपर आके हमने अपनी पिन न्यू जनरेट कर लेनी है यहाँ पे आके और इसको कर देना ओके। दोबारा आना है हमने, इसको डाउन सेव कर दें, दोबारा आए ड्राफ्ट में, ड्राफ्ट डिक्लेरेशन इसको एडिट करें, वेरिफिकेशन पे आए, नेट रिकंसिलेशन नेट एसेट ओके है, तो वेरिफिकेशन पे आते हैं और यहाँ आके हमने जो हमारी पिन है वो हमने मेंशन कर देनी है, इसको वेरीफाई कर दें। एट्रीब्यूटेड पे आके रेसिडेंशियल रेसिडेंट लिख दें यहाँ पे, इसको सिलेक्ट कर लें और डेटा पे आए, सेव करें, देन सबमिट। ये हमने सबमिट कर दिया। ठीक है, अब आए आप दोबारा से कंप्लीट टास्क डिक्लेरेशन 1141 टैक्स 21 व्यू। ये देखें हमारा रिटर्न फाइल हो गया, इसका प्रिंट आउट निकाल लें और देखें 6,00,000 का हमारा करंट एसेट टैक्स 21 के अंदर हमारे पास 6,00,000 का एसेट है। इसको क्लोज करते हैं और इसको भी क्लोज कर दें और